Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये लैपटॉप। थैंक्स मिस्टर वाली। रानू, इस लैपटॉप में तुम घर बैठे बैठे ऑफिस का सारा काम कर सकते हो। मामा जी भी कमाल हैं। रानू को इतना शानदार लैपटॉप और मुझे ये सूट का कपड़ा। सबको लगता है रानू बहुत काम करती है और मैं ऑफिस में पूरा दिन काम करता हूँ, फिर घर आके ये फाइलें चेक करता हूँ। रानू सिर्फ मेरी हेल्प करती है। जिस चीज की जरूरत मुझे थी वो मामा जी ने रानू को दे दी। पूरी फैमिली के सामने मामा जी ने मेरी इज्जत की। साहिल, मैंने कहीं पढ़ा ये बहुत अच्छा लैपटॉप और इसके फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें कैसा लगा मेरा गिफ्ट? इतने बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल मैं कर रहा हूँ और लैपटॉप गिफ्ट मिलता है तुम्हें। साहिल, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? तुम्हें लैपटॉप की जरूरत है तो ले लो ना। अरे सवाल गिफ्ट का नहीं है, सवाल सोच का है। अगर मामा जी को ये लगता है कि तुम मेरे से ज्यादा काम करती हो तो इसका मतलब उनके दिमाग में ये बात किसी ने डाली है। पता नहीं सब लोगों को क्या गलतफहमी है, लेकिन हमें यह गलतफहमी दूर करनी है। तुम सिर्फ काम में मेरी हेल्प करती हो और कुछ नहीं। सबसे ज्यादा काम मैं करता हूँ। मैंने कब कहा कि तुम मुझसे अपना काम कराते हो या मैं ज्यादा काम करती हूँ? मुझे पता है कि तुमने मामा जी को कुछ नहीं कहा, लेकिन किसने तो कहा है? हो सकता है वानी मामी। उनको ऐसा लगता हो कि तुम सबसे ज्यादा काम करती हो और मैं कुछ नहीं करता। साहिल, मेरी दीदी ऐसी नहीं है, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। बस अब मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। और मुझे और भी काम है। मैं तो सोच रही हूँ जैसे वालिया खानदान की ट्रेडिशन है, कार्ड पार्टी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ इस बार की कार्ड पार्टी बहुत ही लाविश एंड ग्रैंड लेवल पे होनी चाहिए, इसलिए बाहर क्यों ना करें? यू मीन टू से मेरी आजादी, आई मीन हमारी शादी से पहले जैसी कार्ड पार्टीज हुआ करती थी? एग्जैक्टली आदित्य, वो कार्ड पार्टी तुम्हें याद है ना? मैं यही चाहती हूँ कि ये कार्ड पार्टी भी लोगों को बरसों तक याद रहे, समझे? बिल्कुल। मासी, कार्ड पार्टी ये तो लक्ष्मी का अपमान होता है। हे भगवान, हमारे खानदान में ये नमूने कहाँ से छाट कर भिजवाए हैं आपने? बेटा, ये जो कार्ड पार्टी होती है इसमें लक्ष्मी का अपमान नहीं होता, ये लक्ष्मी के आगमन के लिए होती है। और फिर खेल में हार जीत तो लगी रहती है ना, इसका कोई महत्व नहीं होता। ये तो सिर्फ दोस्तों के शौक के लिए है। अरे बानी पुत्र, ये साल में एक दिन ऐसा होता है, खूब मस्ती करते हैं हम लोग, सब कार्ड्स खेलते हैं। हाँ, बहुत मजा आता है। ठीक है, हमारे परिवार की खुशी की पार्टी मैं अरेंज करूंगी। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? I'm sorry. Excuse me. तुम इस कार्ड पार्टी के लिए कोई भी अरेंजमेंट नहीं करोगी बात? माउंट आबू की दिवाली नहीं है, ये थोड़े से पटाखे जला लिए और दिवाली सेलिब्रेट होगी। वालिया खानदान की कार्ड पार्टी है, लाविश लेवल पर। और वैसे भी जो लड़की कार्ड पार्टी को लक्ष्मी माता का अपमान समझती है, वो कार्ड पार्टी के अरेंजमेंट्स क्या करेगी? इस कार्ड पार्टी में इस शहर के तमाम रिच एंड सोफिस्टिकेटेड लोग होंगे, मेरी फ्रेंड्स भी होंगे, इसीलिए मैं नहीं चाहती बाली। अब अपने क्लास के हिसाब से कोई डाउन मार्केट कार्ड पार्टी की अरेंजमेंट्स करो। ये पार्टी मैं अरेंज करूंगी, क्लियर? बानी, तुम जिज्ञासा को सीरियसली मत लो, मैं भी उसे नहीं लेता हूं। ये पार्टी को तुम ऑर्गेनाइज करो। अरे मैं तुम्हारे साथ हूं ना। फर्स्ट क्लास। और ये हमारी छोटी सी गुड़िया, ये भी अच्छी है। अनु, राशि, ओम, मेरी प्रीति कैसी है?
अच्छा अनु, मेरा भाई रोहित कहाँ गया? रोहित कुछ काम से बिजी था। तो एज यूजुअल। मामी पार्टी का वक्त हो गया, प्लीज आप जाकर तैयार हो। अरे वाह बानी, तैयार भी हो गई। मिस्टर वालिया, आज आप कौन सी शर्ट पहन रहे हैं? अभी चूज कर लूंगा। शायद आप भूल रहे हैं, आपके लिए शर्ट हमेशा मैं चूज करती हूँ। बताइए इसमें से कौन सी शर्ट पहनेंगे आप? ये वाली पहन लेता हूँ। लगता है आपकी चॉइस बदल गई है। आप तो कभी ये व्हाइट शर्ट नहीं पहनते। मेरी चॉइस नहीं बनी, मैंने ये व्हाइट शर्ट सिर्फ इसलिए चूज की बिकॉज़ इट मैचेस दिस सूट। मैं ये शर्ट पहनूं, खुश हो? नहीं, मैंने बस आपको इसलिए कहा। अरे कहा ना मैं ये वाली पहन लूंगा। जब भी आप परेशान होते हैं तो ऐसा लगता है कि आप मुझसे दूर चले गए। आपके करीब होते हुए भी ऐसा लगता है कि हमारे पीछे एक तूफान है जो हमारे बीच से गुजरना चाहता है। जब हमारे बीच खामोशी थी, जब हम अजनबी थे, तब एक शांति थी, लेकिन आज इतने नजदीक होकर भी ऐसा लगता है कि हम कितने दूर हैं। What the hell are you saying to me, Bani? तुम ये सब मुझे क्यों कह? अगर काम की टेंशन है मेरे अंदर तो तुम्हें समझना चाहिए ना। सवाल है, आपके शहर की बात तो हो चुकी है। अगर शहर की प्रॉब्लम हल हो गई तो इसका क्या मतलब है कि हर प्रॉब्लम हल हो गई? जिंदगी में हजार प्रॉब्लम होती है यार, तुम्हें क्या पता कि इंसान कब कौन सी गलती। ऐसी कौन सी गलती है जो आप इतना परेशान? मैं काम की गलती की बात कर रहा था। शायद मुझे मिस्टर वालिया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, मैंने उन्हें परेशान किया। दी, आपके पास नेल कटर होगा? हाँ पिया, वो बस यही मेरी अलमारी में रखा होगा, तुम जाकर ले लो। ठीक है। पिया मैं बस अभी आती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। सवाल है, शायद आपको लगा कि पिया मैं हूं क्योंकि हमने सेम कलर की साड़ी पहनी है, इसलिए आप वो। मैं अभी आई। मैं जानती हूं मिस्टर वालिया, ये आपका और दी का कमरा है। मुझे अपनी हैसियत का अंदाजा है, ये दरवाजा बंद होने के बाद होता है। बहुत दुख है मुझे इस बात का कि मैं कहीं ना कहीं अपनी दी की जिंदगी की दूसरी औरत बन गई हूँ,
जिसे कभी पहली औरत होने का हक नहीं मिलता। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।